अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि नया सिलेबस जो रिलीज़ हुआ है ट्वेल्थ के लिए, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, उसका डिटेल एनालिसिस आज हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे जो पुराना वाला ट्वेल्थ बायोलॉजी का सिलेबस था, उसमें से कौन सी चीज़ें निकाली गई हैं, उसमें क्या चीज़ें ऐड की गई हैं। इन शॉर्ट हम लोग कंपेयर करेंगे ओल्ड सिलेबस को न्यू सिलेबस से। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नए सिलेबस के हिसाब से ट्वेल्थ बायोलॉजी के अंदर 15 चैप्टर जो है वो ऐड किए गए हैं। तो आज हम इन 15 चैप्टर के अंदर कौन कौन से कंटेंट है वो देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग कंपेयर करेंगे पुराने वाले सिलेबस से, जहाँ पे कि पुराने सिलेबस में 19 चैप्टर इंक्लूड किए गए थे। तो चलिए सबसे पहले न्यू सिलेबस हम लोग देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में इन शॉर्ट कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो शुरुआत में सबसे पहला चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ये रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, जहाँ पे हम इस चैप्टर में देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, लोअर प्लांट्स के अंदर भी और हायर प्लांट्स के अंदर भी। इन जनरल यहाँ पे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ताल्लुक से यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं वो हम देखेंगे। यूनिसेलुलर में किस तरीके से होता है, मल्टीसेलुलर में किस तरीके से होता है, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वगैरह किस तरीके से होता है, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, जहाँ पे हम पॉलिनेशन के बारे में देखेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में देखेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। अब दूसरा चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। सही कहा आपने, एनिमल्स। यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर किस तरीके से होता है यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे भी हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि जायगोट किस तरीके से फॉर्म होता है, एम्ब्रियो किस तरीके से फॉर्म होता है, स्पर्म्स क्या होते हैं, ओवम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कंसर्न है वो हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तीसरा जो है वो है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे हम आप समझ गए होंगे इनहेरिटेंस और वेरिएशन का मतलब, ये इंक्लूड किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर। तो बेसिकली जेनेटिक्स के ताल्लुक से हम यहाँ पे देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। मेंडल साहब के ताल्लुक से आपने टेंथ में देखा होगा, तो इसी मेंडल के वर्क को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, इनहेरिटेंस को देखने वाले हैं। वेरिएशन यानी कि तब्दीलियाँ किस तरीके से आती हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये तब्दीलियाँ या वेरिएशन कैसे कैरी फॉरवर्ड की जाती हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद चौथा जो चैप्टर है वो है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे भी नाम आप देख सकते हैं, इनहेरिटेंस यानी कि खसूसियात का एक नस्ल से दूसरे नस्ल में मुंतकिल होने का अमल, उसे इनहेरिटेंस यानी कि तवारीस जो है वो कहा जाता है। मगर उसके आगे अगर आप नाम पे गौर करेंगे तो यहाँ पे है मॉलिकुलर बेसिस, यानी कि मॉलिकुलर बेसिस यानी कि बुनियाद जो है वो मॉलिकुलर लेवल के ऊपर है। तो इस चैप्टर में हम जीन के ताल्लुक से देखने वाले हैं। जीन आप सबको पता है, जीन इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि खसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ले जाने के लिए जीन जिम्मेदार होते हैं। तो जीन के ताल्लुक से हम यहाँ पे देखेंगे, डीएनए के ताल्लुक से हम यहाँ पे देखेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अलावा डीएनए में रिप्लिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर हम देखने वाले हैं, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन भी जो है वो शामिल है। पाँचवा चैप्टर जो है वो है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदगी की इब्तिदा और इर्तिखा। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम, ये बहुत बुनियादी चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से दुनिया वजूद में आई और उस दुनिया के अंदर जानदार चीज़ें किस तरीके से वजूद में आई। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, ओरिजिन यानी वजूद में आना, इवोल्यूशन यानी कि उसमें इर्तिका होना, तब्दीलियाँ होना, चेंजेस होना, और चेंज होने के बाद नई जानदार जो है वो वजूद में आ जाना। तो ये किस तरीके से हुआ है, इसका डिटेल पूरा प्रोसेस जो है वो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है, जहाँ पे हम ओपरिन और हैल्डिन की थ्योरी देखेंगे, डार्विन की थ्योरी देखेंगे, लैमार्क की थ्योरी देखेंगे, ह्यूमन एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है उसका पूरा प्रोसेस हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। छठा जो चैप्टर है वो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप, यानी प्लांट
और वाटर के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है, प्लांट किस तरीके से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ये बॉटनी से रिलेटेड पूरा पार्ट है। सातवां जो चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट को ग्रो होने के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, उसका असर प्लांट के ऊपर क्या होता है, उसके ग्रोथ के ऊपर क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताई गई है। आठवां जो चैप्टर है वो है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 12th न्यू सिलेबस। तो सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन ये दोनों को यहाँ पे मर्ज किया गया है, कंबाइन किया गया है, क्योंकि सर्कुलेशन जो है वो रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है। रेस्पिरेशन में आप करते क्या है, रेस्पिरेशन में आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन अंदर लेने के बाद ऑक्सीजन आपका जो रूट से जाता है, आपका माउथ है, नॉस्ट्रिल्स है, पैरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, लंग्स, तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। उसके बाद ये एल्वियोला ऐसे होते हुए ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो मिल जाता है। अब ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन शामिल है। अब ये ब्लड जो है वो पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, और वहाँ से आपका शुरू हो जाता है सर्कुलेशन। तो ये दोनों को जो है वो मर्ज किया गया है, दो प्रोसेस हैं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, ये दोनों को जो है वो यहाँ पे मिला दिया गया है इस चैप्टर के अंदर। यहाँ पे हम हार्ट के ताल्लुक से देखेंगे, मोर स्पेसिफिकली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। नवा चैप्टर जो है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से कंसर्न है चैप्टर, जहाँ पे हम देखने वाले हैं ब्रेन के ताल्लुक से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन कैसा होता है, कौन से पार्ट होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर मौजूद एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर हम देखने वाले हैं। इसी चैप्टर के आगे के हिस्से में जो है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो भी इसी के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर नंबर 10 जो है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, यानी कि इंसानी बीमारियां, ठीक है, सेहत और इंसानी बीमारियां, कौन कौन से अलग अलग डिसऑर्डर्स डिसीजेज जो हैं वो इंसान के अंदर होते हैं, इसके ताल्लुक से हम इसमें देखने वाले हैं। 11वें नंबर का चैप्टर जो है वो है एनहांसमेंट इन फूड, यानी कि फूड में हम किस तरीके से जो है वो इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो कोई प्लांट की हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे, दैट इज एनहांसमेंट इन फूड में इजाफा जिसे कहा जाता है। चैप्टर नंबर 12 है बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे ये भी एक एडवांस किस्म का चैप्टर है। अब बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे टेक्निक जो है वो बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट्स के बारे में, PCR वगैरह के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 13 नंबर का चैप्टर जो है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये इकोलॉजी से रिलेटेड है, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम क्या होता है, यानी कि माहौलियात, हमारे अतराफ में जो भी माहौल है उसका मुताला हमें इसमें करना है, उसकी स्टडी हमें इसमें करना है, और साथ ही साथ तवानाई का बहाव, यानी कि एनर्जी जो है वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जो है फ्लो होती है वो इसमें हम देखेंगे। उसके अलावा चैप्टर नंबर 15 जो है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज, जहाँ पे हम बहुत सारे अलग अलग इश्यूज डिस्कस करने वाले हैं कि भाई एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, ये सारे पोल्यूशन क्यों होते हैं, उसके रीजंस क्या हैं, और उससे कैसे बचा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो ऑल इन ऑल एक ज़बरदस्त किस्म का सिलेबस जो है वो डिज़ाइन किया गया है, सारी चीज़ों को यहाँ पे नज़र में रखा गया है, और 15 चैप्टर यहाँ पे आपके जो है वो कंटेंट में शामिल है। अब सोच के आपको ये लग रहा होगा, इफ़ यू कंपेयर द ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस, तो आप तो बोल रहे होंगे कि भाई पुराने सिलेबस में 19 चैप्टर थे, 19 चैप्टर्स हुए थे, और नए सिलेबस में जो है वो सिर्फ 15 चैप्टर्स आए हैं, तो भाई मज़ा है, पहले वालों को बहुत पढ़ना पड़ता था, आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, जिसको मैं अभी दूर किए देता हूँ। क्या है ओल्ड सिलेबस और इसका कंपैरिजन नए सिलेबस से कैसे होता है, वो अब हम देख लेंगे। अब यहाँ पे एक कहावत है कि भाई नए पैकेट में चीज़ पुरानी, तो ये पैकेट आपका नया है, ब्रांडिंग आपकी नई है, मगर बहुत सारी चीज़ें जो है वो पुराने सिलेबस से ही उठा के इसके अंदर डाली गई हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम कंपेयर कर लें
और चैप्टर वाइज हम कंपेयर कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पहले दो चैप्टर जो आपको नज़र आ रहे हैं वो है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा है जीन इट्स नेचर एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन। तो ये जेनेटिक्स और जीन्स से रिलेटेड हैं और ये दोनों चैप्टर जो है वो आपके यहाँ पे मौजूद है, इनहेरिटेंस और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये जो पहला चैप्टर आपका है जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये सीधा उठा के इसमें डाल दिए इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, और दूसरा चैप्टर जो है वो जीन इट्स नेचर एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, ये आपको डाल दिए मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं, अभी इजाफा आ गया है। ठीक है, अभी सीक्रेट रिवील होने वाला है अभी थोड़ी देर में। तीसरा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का है, वो जैसे कि वैसे उठा के यहाँ पे उन्होंने डाल दिया, चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी, नो चेंज कंटेंट सेम। चौथा चैप्टर जो है वो इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन यहाँ पे है। ठीक है, आइए आपको ये नाम का इन्हांसमेंट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, नो चेंज। ठीक है, उसके अलावा माइक्रोब्स यहाँ पे शामिल था। अब थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हुआ ये है कि ये नाम का चैप्टर आपको नए सिलेबस में नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, तो इसका मतलब ये चैप्टर स्किप कर दिया गया है क्या? नहीं, ये चैप्टर स्किप नहीं कर दिया गया, बल्कि इसको मर्ज कर दिया गया है, इसको मिला दिया गया है। ठीक है, ये नाम का चैप्टर आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, बट ये चैप्टर के बहुत सारे कंटेंट जो है वो इसी के अंदर जो है वो डाल दिए गए हैं, दैट इज एनहांसमेंट इन फूड, इसमें ये चैप्टर जो है वो आ गया है। अब छठा जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, हाँ आप ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ लिया, क्योंकि 11th में ऑलरेडी शामिल कर दिया गया था, इसलिए 12th में शामिल करने की कोई सेंस नहीं बनता। सातवां जो चैप्टर है रेस्पिरेशन, आपको लग रहा होगा कि भाई रेस्पिरेशन तो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, मर्ज कर दिया गया है, बट नहीं, ये रेस्पिरेशन आपको 11th में आप लोगों ने पढ़ लिया है बहुत अच्छे तरीके से, यही चैप्टर जो है वो आपको डाला गया था 11th के अंदर रेस्पिरेशन। तो फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन क्या है? तो ये जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन दरअसल एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आपका जो होता है, शॉर्ट के अंदर ये बताया गया है। अब आप कह सकते हैं कि भाई ये जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है, ये ऑलरेडी आपने 11th में जो है उसको पढ़ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुराने सिलेबस में रिप्रोडक्शन इन प्लांट फर्स्ट चैप्टर जो है वो इसके अंदर कंटेंट आ चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। ठीक है, सारे कंटेंट उसमें डाल दिए गए। नवा जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट पार्ट 1, इसको जो है वो नीचे के तीन चैप्टर में इंक्लूड कर लिया गया है। दसवां जो चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ये एज इट इज जो है वो उठा लिया गया है। ये देखिए पांचवें नंबर का चैप्टर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कंटेंट सेम है। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये चैप्टर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये स्किप कर दिया गया है क्या? नहीं, ये बिल्कुल स्किप नहीं किया गया है, इसको उन्होंने उठा के सीधा जो है वो इसमें मिला दिए। ठीक है, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों को जो है वो कंबाइन कर लिया गया, मिला दिया गया और आपका बन गया इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये चैप्टर एक है और ओल्ड सिलेबस के दो चैप्टर उसके अंदर मिला दिए गए हैं। ठीक है, अब आ जाइए और एक ट्विस्ट पे, 12वें नंबर का चैप्टर जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीनोमिक्स, ये नाम का भी कोई चीज यहाँ पे नहीं दिख रही, इसका मतलब ये निकाल दिए क्या? नहीं, ये भी नहीं निकाला गया है, ये भी चैप्टर है, मगर इसको भी उन्होंने मर्ज कर दिया है, कंबाइन कर दिया, मिला दिया है आपके दूसरे चैप्टर से, और उसका नाम दे दिया मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो कमी कहीं पे भी नहीं हो रही है, दो दो चीजों को मिला के एक चैप्टर यहाँ पे बनाया जा रहा है, इसको जरा ध्यान रखिए। अब आइए नेक्स्ट चैप्टर पे, यहाँ पे 13वें नंबर का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 13 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर नंबर 10, जैसा कि वैसा यहाँ पे डाल दिया गया है। अब ये चैप्टर एनिमल हस्बेंड्री, ये भी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है नए सिलेबस के अंदर, इसका मतलब ये स्किप कर दिया होगा शायद, नहीं, ये भी स्किप नहीं किया गया है, नाम बदला गया है, इसको भी उठा के उन्होंने इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के अंदर डाल दिया, इसका बहुत सारा कंटेंट जो है वो इसके अंदर डाल दिया। तो देखो इन्हांसमेंट इन फूड के अंदर तीन चैप्टर मिला दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से? यहाँ पे आपका इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये वाला, माइक्रोब्स और एनिमल हस्बेंड्री, ये तीनों को क्लब कर दिया गया, मिला दिया गया, जोड़ दिया गया और उससे एक ही चैप्टर उन्होंने बना दिया है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट पे सर्कुलेशन, ये आप कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल जैसा कि वैसा यहाँ पे उठा लिया गया है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में वो चैप्टर डाला गया है। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, जी बिल्कुल, ये भी चैप्टर जो है वो नए सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़ लिए हैं 11th में, ये 11th के अंदर मौजूद है।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चीज़ मौजूद है यहाँ पे, सेम के सेम चैप्टर यहाँ पे उठा के डाल दिया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये चीज़ चैप्टर नंबर 2 में आ गई है। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स में ये चीज़ उन्होंने डाल दिया, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये डाल दिया इसमें, किसमें, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। और 19 चैप्टर आपका था ओल्ड सिलेबस के अनुसार, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट पार्ट 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप नवा चैप्टर जो देख रहे थे आप वो पार्ट 1 था, और 19 चैप्टर जो था वो पार्ट 2 था। तो ये दोनों के भी कंटेंट कहीं नहीं गए हैं, ये दोनों को भी मिला दिया गया है, और ये लास्ट के चैप्टर्स के अंदर जो है वो उसको इंक्लूड कर दिया गया है। अब इतना होने के बावजूद हो ये रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, 15 चैप्टर ही हैं, 15 चैप्टर ही हैं, तो अब 15 चैप्टर और इधर 19 चैप्टर, बात समझ में किस तरीके से हो रहा है कि दो दो चैप्टर को एक जगह, तीन तीन चैप्टर को एक जगह डाल के यहाँ पे ये चीज बना दिया है। मोर ओवर अब इसके अंदर प्योर एडिशन के तौर पे क्या किया गया है, प्योर एडिशन जो है वो ये दो चैप्टर का है, और ये बहुत ही अहम चैप्टर है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप, और सातवें नंबर का चैप्टर जो है वो प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन। तो ये दो चैप्टर यहाँ पे आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, ये चैप्टर ओल्ड सिलेबस के 11th में से उठा के यहाँ पे डाल दिए गए, कि जो कि बहुत एक अच्छा काम किया है। जब 11th का नया सिलेबस डिज़ाइन मैंने देखा था तो ये दो चैप्टर वहाँ पे मुझे मिसिंग थे, तो वहीं पे से मुझे अंदाज़ा लग गया था कि भाई ये चैप्टर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे, और हुआ भी ऐसे कि ये लोगों ने इसमें इंक्लूड किया गया, जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे उन्होंने की है। तो ये एक कंपैरिजन था ओल्ड सिलेबस का और न्यू सिलेबस का। तो अब यहाँ पे आपको समझना ये चाहिए कि ये जो नया सिलेबस आपके लिए पेश किया गया है, ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है। हाँ, तो मेरे नज़र में ये एक बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन किया गया सिलेबस है। मैंने पूरी बुक जो है वो पढ़ी है, उसका एनालिसिस किया है, एकदम ज़बरदस्त बुक जो है वो शाया की गई है ये लोगों के ज़रिए। और यहाँ पे इसका जो लेवल है पुराने सिलेबस के हिसाब से, वो लेवल जो है वो बढ़ाया गया है, और उसको NCERT और CBSE के करीब ले जाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे बच्चों का फ़ायदा ये है कि अगर आप यही सिलेबस अच्छे तरीके से करते हैं तो आप कंपेटेंट हैं, आप जो है वो फाइट कर सकते हैं नेशनल लेवल के बच्चों के साथ भी, क्योंकि ये NCERT के बहुत ज़्यादा करीब ये सिलेबस जो है वो लेके ये लोगों ने लेके गए हैं, ठीक है। जैसे NCERT के अगर आप बुक देखेंगे 12th की, तो वहाँ पे भी आपको यही लेवल के यही चैप्टर जो है वो नज़र आएंगे। अब ये जो बुक है, ये बुक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो लोगों ने डिज़ाइन की हैं, डायग्राम्स बहुत ज़बरदस्त हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है। मुझे कभी कभार बहुत मतलब पुराने सिलेबस के हिसाब से जो डायग्राम डिज़ाइन करके बच्चों को आसानी के लिए एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉ करके बताना पड़ता था, कुछ वैसे ही डायग्राम लोगों ने इसमें इंसर्ट किए हैं, इसमें डाले हुए हैं, ज़बरदस्त डायग्राम, एक्सप्लेनेशन बेहतरीन है, कंटेंट एकदम ज़बरदस्त है। तो ये आपके लिए बहुत खुशखबर है, खुशखबरी की बात है कि भाई ये ऐसा सिलेबस आपका जो है वो डिज़ाइन किया गया है, ईजी, इम्पॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये था नए सिलेबस का एनालिसिस और साथ ही साथ दोनों का कंपैरिजन। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं, अब ये 15 के 15 चैप्टर जो है वो हमें डिटेल में देखना है, इसी के ज़रिए हम देखने वाले हैं, यूट्यूब चैनल के ज़रिए हम इसको देखेंगे, मैं आप तक पहुंचूंगा इंशाल्लाह, सारे चैप्टर को डिटेल में लेके वन बाय वन हम उसको डिटेल देखने वाले हैं। बट उसके लिए आपको मेरा ये यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब आप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि भाई कौन कौन सा वीडियो जो है वो अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि भाई ये 15 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर जो है वो हम पहले शुरू करें, ठीक है। आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, वहाँ से हम देख के डिसाइड करेंगे कि कौन सा चैप्टर हम शुरू करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये 15 चैप्टर में से एक नया चैप्टर हम चूज़ करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन हम शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। अस्सलाम वालेकुम।